खबर सारण बिहार से, जहां पुलिस ने अपराध में प्रयोग हुआ स्प्लेंडर प्लस गाड़ी एक पिस्टल 5 जिंदा कारतूस के साथ 26,98,300 बरामद किया है। आपको बता दें सोमवार की शाम मढ़ौरा खैरा मुख्य रोड के पड़ेरी के पास सरेआम अपराधियों ने एक बाइक सवार युवक से 40 लाख की राशि लूट ली। अपराधियों ने मढ़ौरा की सबसे बड़ी लूट को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे दी। मामले को लेकर सारण एसपी संतोष कुमार ने मौके पर पहुंच प्रत्येक बिंदु पर जांच शुरू कर दी। लूट का शिकार युवक स्थानीय पटेड़ी गांव का ही मुकुंद पाठक है, जो सोमवार को अपराह्न मढ़ौरा स्थित एक्सिस बैंक से राशि को निकालकर अकेले ही बाइक से अपने घर लौट रहा था। इस दौरान इस ट्रॉली पेट्रोल पंप से जो ही 200 मीटर आगे दक्षिण दिशा में पहुंचा था कि पहले से खाप लगाए तो बाइक से 5 अपराधियों ने युवक को रोक लिया। अपराधी रुपए से भरा बैग छीन लिया और आसानी से उत्तर दिशा में भाग निकले। निजी एटीएम में रकम डालते समय प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 3 लोग फरार चल रहे थे, जिसमें आज सभी की गिरफ्तारी की जानकारी छपरा एसपी संतोष कुमार मीडिया को दी, जिसमें पीयूष कुमार, पिंटू कुमार, अंशु राय, शैलेश पाठक, सोनू पांडे, सबसे अधिक अगर किसी को दुख मिला तो वह सोनू पांडे। इस घटना की वजह से उसके पिता को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं उसकी माँ एवं उसकी बहन रूपा कुमारी सामाजिक लोक लाश की वजह से फांसी लगाकर अपने जीवन को समाप्त कर ले। हालांकि इस घटना को लेकर दबी जुबान से प्रशासन के ऊपर उंगली उठने लगी है। वही छपरा एसपी संतोष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारी दी, देखिए यह रिपोर्ट। थाना अंतर्गत 40 लाख के करीब कैश लूट की घटना जो 4 अक्टूबर को हुई थी, इसमें पूर्व में भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था। 24 घंटे के अंदर कांड को उद्भेदन हुआ था और उस दिन 2 अभियुक्तों को पकड़कर उनकी निशानदेही पर 18,28,500 रुपये की बरामदगी हुई थी। आज पुनः जो है इस में हमें सफलता मिली है। इसमें 3 जो शेष अभियुक्त थे, मोटरसाइकिल पर सवार 5 अभियुक्त दिखाई दिए थे सीसीटीवी फुटेज में भी, उसमें से शेष 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके निशानदेही पर शेष बची राशि में से 8,69,800 रुपये की बरामदगी कर ली गई है। इस प्रकार अभी तक सभी जो 5 अपराधकर्मी मोटरसाइकिल से इस लूट की घटना को कारित किए थे, उन सभी की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसमें से 26,98,300 रुपये की भी बरामदगी कर ली गई है। पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है। साथ ही साथ इन्हें आर्म्स कहाँ से मिला, ये कहाँ पर रुपये छुपाए, साथ ही साथ अन्य जानकारियाँ भी इनके द्वारा दी गई है कि इसमें और अन्य साझेदार और लाइनर कौन थे, उनकी भी गिरफ्तारी और शेष रकम की बरामदगी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और जल्द ही उसमें भी सफलता मिल जाएगी।